जी जनाब, अक्रॉस द नेशन दिस इज एफएम 100 एंड आई एम योर प्रेजेंटर महनूर कुरैशी। एक दफा फिर एफएम 100 रहबर के साथ मौजूद हूँ और आपको हम गाइड करेंगे, बताएंगे अबाउट द करंट सिचुएशन ऑन फील्ड, क्या काम हो रहा है सैलाब जदगान के लिए। एफएम 100 रहबर एफएम 100 का इनिशिएटिव है जिसमें हम आपको लोगों से कनेक्ट करते हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं और वो हमें करंट सिचुएशन से आगाह करते हैं। सो अभी हमारे साथ डॉक्टर फातिमा अमीन मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है ACF पाकिस्तान की। सबसे पहले वेलकम टू द शो डॉक्टर फातिमा। थैंक यू डॉक्टर फातिमा। आई वॉन्ट टू नो कि व्हाट्स योर लोकेशन राइट नाउ और क्या वहाँ पे क्या अपडेट है उस जगह की, क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, अभी राइट नाउ हम इन इस्लामाबाद, लेकिन हमारी टीम्स ऑन ग्राउंड हटा में मौजूद हैं। फिलहाल वहाँ पे हमारी हेल्थ एंड हाइजीन किट्स की डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रोग्रेस है, लेकिन वहाँ चूंकि कनेक्टिविटी का कुछ इशू है, दैट्स व्हाई हम वहाँ से ऑन एंड ऑफ हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं और फिर वहाँ की सिचुएशन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता सकती हूँ। सही। अच्छा, बेसिकली जो आपको रिपोर्ट्स मिल रही है, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट क्या सिचुएशन है डैमेजेस की और रिलीफ वर्क की? देखिए, सिचुएशन तो सारों के सामने है ही, जो कितना एक्सटेंसिव डैमेज इस फ्लड ने किया है, जो 2010 के फ्लड से ज्यादा बढ़ के है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के इतना ज्यादा डैमेज इंटेल हुआ है बिकॉज ऑफ अ फ्लड इमरजेंसी। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है, जाहिर है लोगों का लाइवलीहुड डैमेज हुआ है, लोगों के घर डैमेज हुए हैं, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो अभी हमें नजर आ रहा है, जो घरों को डैमेज हुआ है, जो रोड एक्सेसिबिलिटी को डैमेज हुए हैं। और फिर इसके बाद जब हम अर्ली रिकवरी में जाएंगे और उसमें जाएंगे तो हमें पता चलेगा इसका फिर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी होगा, जो बिकॉज आपको पता है कि एग्रीकल्चरल एरिया है बहुत सारा पाकिस्तान में, तो लोगों के फील्ड्स अफेक्ट हुए हैं, लोगों की लाइवलीहुड अफेक्ट हुई है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डैमेज दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सही। और अगर रिलीफ वर्क के हवाले से बात करें, जो आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं, किन चीजों को अभी मद्देनजर नहीं रखा जा रहा, इग्नोर हो रही हैं लोगों की जानिब से जब वो अपने डोनेशंस भेजते हैं, और कौन सी चीजें हैं जो कि वहाँ पे भी मौजूद हैं और उस पर अभी प्राइम फोकस करने की जरूरत नहीं है? अच्छा, इस तरह से है कि मेरा जो, अगर आप प्रोफेशनल ओपिनियन लेंगी तो ये कि जो भी अभी किया जा रहा है दैट नीड्स टू बी डन, यानी कि जो इमीडिएट रिलीफ है उसकी भी नीड है, जो लोग अपनी कैपेसिटी में कर रहे हैं, डिफरेंट एनजीओज कर रही हैं, गवर्नमेंट के दायरे कर रहे हैं, ऑल ऑफ दैट इज नीडेड, क्योंकि नीड ग्राउंड पे बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ा सा हम कह सकें कि जो हम बेनिफिशियरी की सिलेक्शन करेंगे, वहां जाके आपने किन एरियाज में बांटना है, प्रोबेबली दैट इज वन एरिया जहां पे हमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है जाने से पहले कि वेयर वी नीड टू गो, कहाँ पे पहले लोग चले गए हैं, कहाँ पे पहले रिलीफ की एक्टिविटीज चली और कहाँ पे नहीं चल रही, क्योंकि फिर ये जो ओवरलैप होता है उससे क्या होता है कि कुछ एरियाज बिल्कुल आपके रह जाते हैं विदाउट एनी हेल्प और कुछ एरियाज में फिर डुप्लीकेशन हो जाती है। तो सिर्फ इस पे, और हम मेरा ख्याल है अपनी अपनी कैपेसिटी में डिफरेंट जो हम INGOs हैं और डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम इसीलिए कोऑर्डिनेशन में चल रहे हैं, बड़ा रेगुलर हमारी मीटअप्स होते हैं, वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, हमारे हेल्थ के वर्किंग ग्रुप्स बना है, वॉश के वर्किंग ग्रुप बने हुए हैं, जिसके अंदर हम ये चीज देखते हैं कि कौन सा सेक्टर कहाँ पे क्या रिलीफ प्रोवाइड कर रहा है। तो एवरीबडी इज डूइंग देयर पार्ट, बट देयर इज स्टिल मोर दैट नीड्स टू बी डन, मैं तो यही कहूंगी। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया डॉक्टर फातिमा। अब आपसे आखिर में कोई पैगाम लेना चाहूंगी लोगों के लिए भी, और खास तौर पे फॉर द डॉक्टर कम्युनिटी एज वेल, बिकॉज आप लोग रिलीफ का काम कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि अब जो चीजें हैं जिन पे फोकस करने के लिए या जो आफ्टर द डिजास्टर मैनेजमेंट होती है उसको मद्देनजर रखते हुए आप कोई पैगाम देना चाहेंगी? बिल्कुल, देखें यही मैं कहूंगी कि वी आर ऑल डूइंग आवर पार्ट, सब लोग अपना अपना रोल प्ले करें। कुछ चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन पे ध्यान नहीं देते एंड दे टर्न इनटू बिग, यानी कि हेल्थ इश्यूज बाद में ना। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी चीज है हैंड वॉशिंग, बहुत ये कोविड में भी सबने ड्रिल किया, डॉक्टर कम्युनिटी ने सबने हर एक में ड्रिल किया कि जी हाथ धोए हाथ धोए, छोटी सी बात है ये, लेकिन ये कि उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जिस तरह आप ये फ्लड इमरजेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन है, इट कैन लीड टू अ बिगर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। जिस तरह कॉलेरा का हम ऑलरेडी पॉकेट्स देख रहे हैं, हम आउटब्रेक देख रहे हैं कुछ केसेस में वहां से आ रहे हैं। तो छोटे छोटे ये चीजों का ख्याल रखना है, सब लोगों ने अपना अपना पार्ट प्ले करना है, एंड एज अ नेशन हमने सब ने मिल के इस मुश्किल टाइम से इंशाल्लाह निपटना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।